तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग हम जा रहे हैं सुबह सुबह टहलने। तो दोस्तों अभी मैं खेतों के अंदर हूँ क्योंकि दोस्तों हमारे इधर है खेत, तो हम खेतों के अंदर टहलेंगे। और दोस्तों आपको पता है कि अभी हो रखा ठंडा मौसम, बहुत बढ़िया सुबह सुबह चिल्ड मौसम हो रखा है दोस्तों, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, 5:50 हुए अभी तक, और आपका भाई उठ चुका है सुबह सुबह। और अभी मैं जा रहा हूँ इधर ही घूमने खेतों के अंदर, कुछ चीज़ें लेने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज व्लॉग रहने वाला है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि दोस्तों आज सुबह सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया और आज देखेंगे दिन में क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे वीडियो डालने बहुत टाइम हो गया और ना वीडियो चल रही है ना दोस्तों वो चैनल में मज़ा नहीं आ रहा। तो दोस्तों सोचा कि क्यों ना आज जब वीडियो नहीं बना पाए तो छोटा मोटा व्लॉग ही डाल दे चैनल पे। तो दोस्तों आप सपोर्ट करते रहे हमें, क्योंकि हमारा चैनल बहुत डेड हो चुका है, अभी चैनल बहुत धीरे चल रहा है, ना कोई व्यूज आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा दोस्तों। तो आपको सपोर्ट करना है ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालूँ। और देखो सूर्य जो वो भी उग चुके हैं उधर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो सूर्य अभी जो उदय हो रहा है, बहुत खतरनाक तरीके से लग रहा है दोस्तों। आपको मैं बता देता हूँ, एक बार देखिए एक बार कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह जब सूर्य उगता है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने खेत के अंदर और आपको ये व्लॉग मिलने वाला है आज पूरा दिन का। जो भी करेंगे उस चीज़ को हम कल डालेंगे, कि आज देखते हैं मैं क्या करता हूँ पूरे दिन भर। वाह यार ले जा रही तू जा। ओ सारी अंदर बाहर अंदर यार जो लेडी के बाहर निकल जा अंदर। तो अभी हमने मौज मस्ती कर लिया, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल लिया, कब का मजा कर रहे हैं। तो दोस्तों अब करने वाले धर्म का काम, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में अभी दिन में जो धूप का टेम्परेचर वो कितना खतरनाक जा रहा है, कम से कम 48 डिग्री मतलब सेल्सियस जा रहा है। दोस्तों हम क्या करने वाले, आपको पता है कि इतना धूप हम खुद से नहीं कर पा रहे। हम जाते हैं घर में बैठते, कूलर चला के बैठ जाते, पंखा चला के बैठ जाते, लेकिन जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, वो पक्षी होते हैं, चिड़िया होती है, उनका क्या होता होगा। तो दोस्तों आज हम छोटा सा एक छोटा धर्म का काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, मतलब उनके लिए हम कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए हम पानी भर कर रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम बना रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो आप भी अपने घर पर बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मैं बना कर दिखाता हूँ। उसके लिए हमें पहले क्या करना, जुगाड़ करना पड़ेगा, हमें मटका चाहिए होगा जो हमें कहीं ढूंढना पड़ेगा पहले। तो हमने एक मटका कबाड़ लिया है जो हमारे इधर घर पे पुराना पड़ा हुआ था, और दोस्तों इसको अच्छे तरीके से साफ वाफ कर लेते हैं, और दोस्तों इसको नीचे से इस तरीके से काट लेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसको इसके अंदर डाल के इसमें रख देंगे और इसमें पानी भर के और किसी पेड़ पर लटका देंगे, जो छोटे मोटे पक्षी जो चिड़िया होती है वो जो इधर उधर दिन में लावारिस तरीके से इसे भटकती रहती है, वो आराम से आएगी पानी पी के चली जाएगी। तो दोस्तों हमने हम पहले बनाए तो नहीं, लेकिन अभी ट्राई करते हैं, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अगर इससे नहीं बनेगा तो हम कोई दूसरा जुगाड़ लगाएंगे। लेकिन आज मटका था उसको अच्छे तरीके से काट लिया दोस्तों, ये देख सकते हो। अब इसके अंदर हम भरेंगे पानी और इसको ऊपर इसे रख देंगे और फिर इसको नीचे से अच्छे तरीके से किसी चीज़ से बांध देंगे और इसको लटका देंगे पेड़ के ऊपर। तो दोस्तों पहले इसको बांध लेते हैं, फिर दोस्तों लटकाने का बनाना पड़ेगा हमें जुगाड़ एक बढ़िया सा।
चलो एक बार पहले हम सीधा बना लेते हैं फिर आपको। तो हमने जिस तरीके से हमसे बन सका वैसा हमने बना लिया है और देख सकते हो आराम से इसमें पानी भर जाएगा, बहुत सारा पानी भी आ जाएगा इसके अंदर, पानी आराम से भर जाएगा बहुत सारा। और इसको भी लटकाने के बारी है पेड़ पे, तो दोस्तों एक अच्छा पेड़ देखेंगे और उस पर हम लटका देंगे ताकि वहाँ पे जो पक्षी आएंगे पानी पी लेंगे और उसी पेड़ पे आराम कर लेंगे। तो उसको नीम के पेड़ के लटकाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो हमने जिस तरीके से बनाया, आप भी बना सकते हो दोस्तों, ये छोटा मोटा एक धर्म का काम है भी और हम कर रहे हैं और आप भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो चलो अभी पेड़ बांधने वाले इसको और इसमें पानी भर देंगे। दोस्तों अभी जो चिड़िया है आप देख सकते हो जो कौवे हुए वो बैठे अभी, धूप और धूप हो रही बहुत खतरनाक, अभी 9 बजे, अभी 9 बजे बहुत खतरनाक धूप लगने लग गई दोस्तों। ये बंदर चढ़ चुका ऊपर देखो। लो भाई अभी बंद ही नहीं है, उससे पहले आप देख सकते हो जो पक्षी है वो बहुत खतरनाक तरीके से उड़ने लग गए, चिल्लाने लग गए, पता नहीं आवाज कर रहे हैं पीछे पीछे, पता नहीं मेरे को ऐसे लग रहा है प्यासे मर रहे हैं सारे, प्यास लग रही है बहुत खतरनाक तरीके से। बांध देते हैं फिर देखते हैं कितने कौन सा पक्षी पानी पिलाता है। और एक बार देखिए इधर आके बैठ के इसको बांधने में पता है कि ये करने वाले इसको बांधने वाले ये पानी पीने वाला। दीदे गांजे भी एकदम फूल जाए दोस्तों। फाइनली हमने जो बांधा था हमने कर दिया और इसमें पानी भी डाल दिया, नीचे था पानी भी डाल दिया और ये भर चुका फुल, चीज़ ये खाली जगह हम वापस शुरू कर देंगे। और दोस्तों अभी हमने पानी की व्यवस्था की है, इसके बाद हम दाने का व्यवस्था करेंगे, दाने भी डालेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ इतना सा छोटा सा काम आप इस ग्रुप के अंदर आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये करना ज़रूरी है, आप करो और हमने जैसे बनाया आप छोटा मोटा जुगाड़ ही कर दो, पानी भर के अपनी छत पे रख दो बस। तो चलो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय।